बीजेपी की आदत बन गई है लोगों पे झूठा आरोप लगाना, ये तो शर्मसार है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि बिहार सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया और सरकार उनको अवसर प्रदान कर रही है बिहार सरकार। तो इन सब बातों को लेकर के इनको बिहार सरकार को माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहिए। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति में बने रहने के लिए कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा करके बने रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। पहला दिन ही जो तमाम बीजेपी के विधायक हैं वो खूब बोल रहे हैं। बात करने के साथ कांग्रेस के विधायिका प्रतिमा दास हैं। क्या हंगामेदार होने वाला है? बिल्कुल नहीं, जो सवाल करने वाले हैं वो खुद सवाल बन के रह गए हैं। सबसे बड़ी बात कि 10 साल होने जा रहा है भाजपा को, उन्होंने केंद्र में 10 साल बिताया, सत्ता में 2-2 करोड़ नौकरियां दे दिए होते तो आज 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली होती। 15-15 लाख रुपया, काला धन वापस लाना, महंगाई खत्म करना, ये तो कुछ किए नहीं। मणिपुर को आग में, बिहार में मैडम बीजेपी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के सरकार पे हमलावर दिख रहे हैं काफ़ी। देखिए, इन लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है हंगामा करना, दंगा फैलाना और समाज में विभेद पैदा करना। इनको एक सूत्री कार्यक्रम है कि अस्थिरता पैदा करके सत्ता में बने रहना। लेकिन बिहार के नौजवान, बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के दलित पिछड़े सब समझ चुके हैं कि बिहार सरकार, महागठबंधन की जो सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत मजबूती के साथ चल रही है। यही हमें विकास के रास्ते पर ले जाए। चलिए, विकास के रास्ते की बात कर रहे हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती हुआ बड़े लेवल पर, आप लोगों ने ज्वाइनिंग पत्र भी बांटे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। पर जो अभ्यर्थी हैं बीजेपी के लोग हैं, कह रहे हैं कि जो पैसा दिए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, जो पैसा नहीं दिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मेरिटोरियस हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया, ऐसा होता तो देखिए बीपीएससी का रिजल्ट उठा के देखिए। जो SDM हुए हैं, जो SDPO हुए हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं जो एक वक्त का खाना उनके लिए मुसर नहीं होता था। तो ये बीजेपी की आदत बन गई है लोगों पे झूठा आरोप लगाना, ये तो शर्मसार है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि बिहार सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया। 48% महिलाओं को नौकरी मिली है, अन्य राज्यों में 10-5% महिलाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है। यहाँ 48% महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में नौकरी मिली है। बल्कि सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी शासित राज्य जो बगल में है वहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, वहाँ के लड़के आके यहाँ नौकरी खोज रहे हैं और सरकार उनको अवसर प्रदान कर रही है बिहार सरकार। तो इन सब बातों को लेकर के इनको बिहार सरकार को माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन ये लोग तो इतना झूठा पार्टी है, इतने जुमलेबाज हैं। पर सवाल पूछे जाएंगे सदन शुरू होते के साथ ही, आप लोगों से, सरकार के लोगों से सवाल पूछेंगे। मांझे जी काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं, वो सबूत भी पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से धांधली हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मांझी जी और कुछ राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, मांझी जी आदरणीय है, हमसे उम्र में गार्जियन समान, हमारे पिता तुल्य हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति में बने रहने के लिए कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा करके बने रहते दिखा रहे हैं ना। नहीं नहीं, तो साबूत दिखा रहे हैं तो उसके लिए बहुत सा फोरम बना हुआ है, वहाँ पे उसको जाके कंप्लेन कराए, जो न्याय तो ऊपर से मिलेगा ना, कोर्ट में जाए। यदि इस तरह की बात होती तो उनको सबूत पेश करने के, बच्चे जिनको नौकरी मिली है उनसे पूछिए कि उनके साथ क्या हुआ है। यानी आप लोगों का कहना कोई गड़बड़ी नहीं है? कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो सक्षम है, जो उसके एक क्वालिफाइड थे, जिन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है उनको नौकरियां मिली हैं, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। तो चलिए, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। जीता राम मांझी जो सबूत पेश कर रहे थे उनको भी खूब सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम। धन्यवाद।